जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल से आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू आपने देखा होगा कि दो पाकिस्तानी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे लेटे हुए थे, तो उन्हें पुलिस वालों ने बहुत मारा, जो स्टील कैप टो शूज़ होते हैं ना, स्टील टो, उनके साथ। तो इस बहुत ज़्यादा वायरल हुई वीडियो, तो मैं उस वक्त यूके में ही था, लुटन एयरपोर्ट पे फंसा हुआ था। तो मैंने ये सारा जो है वो, मुझे किसी ने ये वीडियो शेयर की तो मैंने देखा ये गौर से। तो उस वक्त तो यही शो कर रहे थे कि पुलिस वालों ने उन्हें बहुत मारा, वो मज़ाहमत नहीं कर रहे थे, तब भी उन्हें मारते रहे। उसके पीछे क्या स्टोरी थी? अच्छा, अभी एक नई वीडियो रिलीज़ हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप इसको चला के देखें ज़रा। तो आप देखेंगे, मैं इसके इस वीडियो पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है इस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पीछे बैकग्राउंड बता देता हूँ। अम्मा जी पाकिस्तानी थी, वो पाकिस्तान से आ रही थी, उनके दो बच्चे, एक हार्डली 19 ईयर्स ओल्ड होगा, एक थोड़ा एजड था, लड़का ही था वो, स्पेशली अंडर 30 था वो। तो इनके दोनों के बड़े भाई जो हैं वो भी पुलिस ऑफिसर हैं यूके में। अच्छा, ये इनका बैकग्राउंड था, ठीक है। अम्मा जी आ रही थी तो उनकी जो लगेज ट्रॉली थी वो किसी गोरे के साथ टच हो गई या गोरे ने मार दी, जो व्हाट्सोएवर। तो गोरे ने गालियां देना शुरू कर दी। तो कोई भी बेटा हो, डजन मैथर, वो कहाँ से हो, गोरा है या काला है या किसी भी रेस कंट्री का है, मेरा ख्याल है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसने गालियाँ, इनकी आदत है ये गालियाँ देते हैं, ये अपने भाई को, अपनी बहन को, मतलब मैं सारे की सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली ये करते हैं ऐसे। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे रहते हुए बहुत टाइम गुजर गया तो मुझे इनकी आदत का पता है। एक गाली होती है मजाक में, जैसे पाकिस्तान इंडिया में हम लोग, ये बुरी बात है समझाने के लिए कर रहा हूँ, साला कहते हैं ना हम ज़्यादा, ये इवन दो के अभी जो मूवीज़ में भी ये कहा जा रहा है कि साला साला ऐसे, इनकी इसी तरह गाली है, मैं वो दूंगा नहीं, वो देते हैं। एक गाली होती है जो आपको हर्ट करती है, आप समझ जाते हो कि ये मजाक में नहीं था, उसने उस किस्म की गाली दी। तो दोनों बच्चों ने उसे बहुत गालियाँ दी, वहाँ पर सिक्योरिटी आ गई, तो उन्होंने कहा कि ये देखें ये क्या बदतमीज़ी कर रहा है मेरी माँ के साथ। ये बात थी, यहाँ से बात शुरू हुई है, ये शायद आपने सभी ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैंने बता दिया, यहाँ से बात शुरू हुई। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो, जो न्यू वीडियो है, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको तीन चार दफ़ा, कम अज़ कम चार पाँच दफ़ा आप गौर से चेक कीजिए। तो हम उस वीडियो पे बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया दिखा रहा था कि वो उन्होंने उनको जो स्टील शूज़ होते हैं, उनके कैप जो होते हैं ना टो, वो स्टील लगा होता है स्पेशली गार्ड पुलिस के शूज़ में, वो उसे लुटा के, वो मजामत भी नहीं कर रहा था, उसे मार रहे थे, ठीक है। पीछे ये स्टोरी थी। अभी जो नई वीडियो रिलीज़ हुई है सीसीटीवी फुटेज से, वो ऐसा था। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करके फिर इस वीडियो पे आता हूँ। यहाँ पे, या मुझे पूरे यूरोप के लॉ का नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि यूके में और आयरलैंड में अगर आपकी फाइट हो जाए किसी के साथ, फिजिकल आप किस लड़ाई हो जाए, तो जो आदमी पहले शुरू करेगा वही फॉल्टी है, उसी का कसूर माना जाएगा, यहाँ पर ये लॉ है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो पे आता हूँ, आप ये वीडियो तीन चार दफ़ा पांच दफ़ा आराम से चेक करें, आप देखेंगे कि ये दोनों पाकिस्तानी जो लड़के थे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, आप इसको देखें, शायद हो सकता है मेरी नज़र वीक हो या मुझे समझ नहीं आई, आप ये चेक करें ज़रा वीडियो कि शुरू किन्होंने किया था, पुलिस ऑफिसर ने किया था या पाकिस्तानियों ने किया। अगर पाकिस्तानियों ने किया है, ये इनकी जो भी यहाँ पे जो लॉ है उसके मुताबिक जो भी इनकी जो होगी पनिशमेंट वो इनको दी जाए,
मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे तो वो रिश्तेदार भी नहीं, ना वो पुलिस वाले, तो ना ये, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आप ये वीडियो करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये गलती है किसकी। मैंने लॉ आपको बता दिया कि यहाँ पे जो शुरू करेगा वही फॉल्टी पर्सन है। तो अच्छा, अभी हुआ क्या, लड़का वहाँ पे खड़ा था, वो आपने बॉक्स देखा होगा, वहाँ पे गार्ड्स का ये काम था, पुलिस वालों का, कि वो आते उनसे कहते कि भाई यू आर अंडर अरेस्ट, अगर आप सस्पेक्ट हो तो आप अंडर अरेस्ट हो। एक उसका एक असलूब है, इसका तरीकाकार ये है, इसका मेथड ये होना चाहिए था। उसने उसे पकड़ा है और उसे पुश किया है, उसका जो सर था वो लगा उसके वो जो बॉक्स है वहाँ पे जाके। मैं ये बता रहा हूँ ना, आप वीडियो देख के फिर मेरी ये बातें सुने। उसे पुश किया, उसे उसका लगा, तो उसने कहा जो मेल ऑफिसर था, यू आर अंडर अरेस्ट। तो उसका भाई दूसरी तरफ से आया, उसने कहा कि व्हाई यू आर अरेस्टिंग माई ब्रदर। तो उसने कोई बात नहीं करी, उसको पहले धक्का दिया फिर उसे पंच किया। आप ये मेरी बातें छोड़ दें, हो सकता है मुझे गलती लगी हो, वो वीडियो थोड़ी सी ब्लॉरी है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पे ली गई है। तो उसने उसे पंच किया, वो लड़के यहाँ पे रह रहे थे, उन्हें सब पता है, हमसे ज़्यादा उन लोगों को पता है, मुझे तो 20 साल हो गए हैं, तो वो लड़के पैदा ही यहीं हुए हैं, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है। उसका बड़ा भाई जो है वो पुलिस ऑफिसर है। अभी ये सोशल मीडिया पे ये चल रही है बात कि ये है वो है, अभी कल की बात है, मैं आपको कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उनका जो सॉलिसिटर है वो जैकब, मिस्टर जैकब हैं, तो उन्हें बहुत बड़े टेलीविज़न चैनल में बुलाया गया, तो उसने उसे सवाल किए तो उसने जवाब दिया जो भी था। अभी सॉलिसिटर का काम है, ये उसकी जॉब है कि उसने अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है, डजेंट मैटर वट एवर ही डन हिज क्लाइंट ही, तो उसने उसे बचाना था। अच्छा, वो इसके ऊपर बात नहीं कर रही, वो जो न्यूज़ एंकर थी, वो बात कर रही है उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में, कि आपने उस वक़्त ये उसको प्रोटेक्ट किया था, ये किया। वो बेचारा कह रहा कि ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, आप आज की बात करो, मैं तो उसकी भी डिफेंड नहीं कर रहा, वो उसका उसके शायद कोई पॉलिटिकल गेम्स होंगे तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। मैं चलो खैर ये छोड़ें ये बात, ये क्योंकि ये तो पॉलिटिकल चैनल है नहीं और ना ये रिलीजियस चैनल है, तो आप एक दफ़ा वीडियो ज़रूर देखें प्लीज़ एंड थैंक यू। अगर कोई भी मेरी बात पे कोई शक हो या आपको लगे कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा ये वीडियो ऐसी नहीं थी जैसे आप मैं बता रहा हूँ, मुझे कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, गुड लक।